नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले MakeMyTrip.com के थ्रू मेरी फ्लाइट बुक करी थी कनाडा जाने के लिए, न्यू दिल्ली टू कनाडा। तो मेरे कुछ चेंजेस की वजह से, रूल्स के चेंजेस की वजह से मुझे मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट डिले करानी थी। उसके लिए मैंने MakeMyTrip को कॉल करा, उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप एयरलाइन से बात करिए, वो आपके लिए चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एयर कनाडा, जो कि मेरी बुकिंग एयरलाइन थी, उनसे बात करी। उन्होंने भी मेरी इस मामले में कोई सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने बुकिंग एजेंट से बात करिए, हम नहीं कुछ कर सकते। तो जो कि मेरी फ्लाइट जा रही थी वो यूनाइटेड की थी। एयर कनाडा वालों ने मुझे यूनाइटेड की टिकट दे रखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे बात कीजिए। मैंने उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका जो टेस्ट वेस्ट है वो सब न्यू दिल्ली वाला ही चल जाएगा, आप यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इन्हीं की बात के भरोसे मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने गई। चेक इन मुझे इन्होंने, यूनाइटेड एयरलाइंस ने नहीं करने दिया, वहाँ पे खड़ा करके रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो एक दिन बाद होनी चाहिए, आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं अगली फ्लाइट बुक कर लेती हूँ, नहीं, वैसे तो उनको मुझे चेंज करके देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते। मैंने MakeMyTrip को एयरपोर्ट पे खड़े होकर भी कॉल किया कि आप मेरी चेंज कर सकते हो, मेरी टिकट पे लिखा है कि डेट चेंज अलाउड है। उन्होंने भी मेरी वहाँ कोई मदद नहीं करी। मैंने ऑन द स्पॉट किसी की मदद लेके अपनी ही जानकार में से मैंने 80,000 की दोबारा नई एक टिकट बुक करी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। इन्होंने मुझे तब भी रोक के रखा कि नहीं, ऐसे तो नहीं करनी थी। इन्हीं के कहने पे मैंने करी थी। 3 घंटे बाद इन्होंने मुझे जाके बोर्ड करने दिया फाइनली। तो मैं जब न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पे पहुंची, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आई थी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट का ये इशू है। यूनाइटेड वालों ने, न्यू जर्सी के यूनाइटेड वालों ने मुझे कहा कि आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, हमें नहीं पता इन्होंने आपको क्यों रोक के रखा, आपका जो दिल्ली वाला RT-PCR है वो 72 घंटे के लिए वैलिड है। तो न्यू जर्सी वालों ने मुझे उसी RT-PCR के बेस पे मुझे मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट फ्री में करके दी। मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ खड़े होकर इस बात के लिए परेशान हो रहे थे, जो हमें बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा था। इसकी वजह से जो मेरा मेंटल प्रेशर बना रहा है, मेरा 3 घंटे तक खड़े हुए इतनी देर सिर दर्द रहा है। उसके बाद भी 2 दिन मैं यहाँ पहुँच के बीमार रही हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेस इन्होंने उस टाइम दे दिया था वो अकेले मैंने नहीं, कहीं मेरे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खड़े थे, उन्होंने झेला था और शायद अभी भी झेल रहे होंगे। ये शेयर करना ज़रूरी है ताकि मेरे जैसे और स्टूडेंट्स या और भी लोग जो हैं इस हरासमेंट से बच सके और अवेयर हों, ताकि वो अपनी फ्लाइट शांति से बुक कर सके और MakeMyTrip से तो बिल्कुल ही बुक ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले MakeMyTrip.com के थ्रू मेरी फ्लाइट बुक करी थी कनाडा जाने के लिए, न्यू दिल्ली टू कनाडा। तो मेरे कुछ चेंजेस की वजह से, रूल्स के चेंजेस की वजह से मुझे मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट डिले करानी थी। उसके लिए मैंने MakeMyTrip को कॉल करा, उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप एयरलाइन से बात करिए, वो आपके लिए चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एयर कनाडा, जो कि मेरी बुकिंग एयरलाइन थी, उनसे बात करी। उन्होंने भी मेरी इस मामले में कोई सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने बुकिंग एजेंट से बात करिए, हम नहीं कुछ कर सकते। तो जो कि मेरी फ्लाइट जा रही थी वो यूनाइटेड की थी। एयर कनाडा वालों ने मुझे यूनाइटेड की टिकट दे रखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे बात कीजिए। मैंने उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका जो टेस्ट वेस्ट है वो सब न्यू दिल्ली वाला ही चल जाएगा, आप यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इन्हीं की बात के भरोसे मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने गई। चेक इन मुझे इन्होंने, यूनाइटेड एयरलाइंस ने नहीं करने दिया, वहाँ पे खड़ा करके रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो एक दिन बाद होनी चाहिए, आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं अगली फ्लाइट बुक कर लेती हूँ, नहीं, वैसे तो उनको मुझे चेंज करके देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते। मैंने MakeMyTrip को एयरपोर्ट पे खड़े होकर भी कॉल किया कि आप मेरी चेंज कर सकते हो, मेरी टिकट पे लिखा है कि डेट चेंज अलाउड है। उन्होंने भी मेरी वहाँ कोई मदद नहीं करी। मैंने ऑन द स्पॉट किसी की मदद लेके अपनी ही जानकार में से मैंने 80,000 की दोबारा नई एक टिकट बुक करी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। इन्होंने मुझे तब भी रोक के रखा कि नहीं, ऐसे तो नहीं करनी थी। इन्हीं के कहने पे मैंने करी थी। 3 घंटे बाद इन्होंने मुझे जाके बोर्ड करने दिया फाइनली। तो मैं जब न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पे पहुंची, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आई थी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट का ये इशू है। यूनाइटेड वालों ने, न्यू जर्सी के यूनाइटेड वालों ने मुझे कहा कि आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, हमें नहीं पता इन्होंने आपको क्यों रोक के रखा। आपका जो दिल्ली वाला RT-PCR है वो 72 घंटे के लिए वैलिड है। तो न्यू जर्सी वालों ने मुझे उसी RT-PCR के बेस पे मुझे मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट फ्री में करके दी। मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जैसे कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ खड़े होकर इस बात के लिए परेशान हो रहे थे जो हमें बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा था। इसकी वजह से जो मेरा मेंटल प्रेशर बना रहा है, मेरा 3 घंटे तक खड़े हुए इतनी देर सिर दर्द रहा है। उसके बाद भी 2 दिन मैं यहाँ पहुँच के बीमार रही हूँ क्योंकि जो स्ट्रेस इन्होंने उस टाइम दे दिया था वो अकेले मैंने नहीं, कहीं मेरे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खड़े थे उन्होंने झेला था और शायद अभी भी झेल रहे होंगे। ये शेयर करना ज़रूरी है ताकि मेरे जैसे और स्टूडेंट्स या और भी लोग जो हैं इस हरासमेंट से बच सके और अवेयर हों ताकि वो अपनी फ्लाइट शांति से बुक कर सके और मेक माई ट्रिप से तो बिल्कुल ही बुक ना करें। धन्यवाद।